अगर आपके YouTube एचडीएसएल चैनल में फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ आपके सामने दो क्वेश्चन, कैसे अपने को क्रय और विक्रय मूल्य निकालना, लाभ और हानि निकालना होता है तो कैसे किस तरह अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कोई क्वेश्चन है जो अपने को इसमें लाभ लाभ निकालिए, लाभ का प्रतिशत निकालिए, हानि का हानि निकालिए, हानि का प्रतिशत निकालिए, कितने में क्रय किया, कितने में विक्रय किया, तो आपके सामने मैं आज लाया हूँ दो क्वेश्चन। तो अपन इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है। यानी कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ध्यान पूर्वक देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि खरीदा 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 121 रुपये है। इसको बेचने की जो मूल्य है वो 121 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब इसमें क्या लिखा है अपने को कि इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अपने को प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला लगाना होगा अपने को। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या पड़ेगा फ्रेंड, तो सबसे पहले फॉर्मूला आएगा, मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आएगा फ्रेंड, अब अपने इसमें अपने को क्या विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो क्या होगा, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100। अब ये सूत्र मतलब फॉर्मूला लगाते अपने को दिमाग दौड़ देना चाहिए कि अपने को करना क्या। अब इसके सेम ऐसा का ऐसा अपने को उतारना है। अब लाभ क्या है, तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा भाई, क्रय मूल्य 110 रुपये उसने खरीदा 110 में तथा विक्रय मूल्य कितना है 121। तो 110 में माइनस 121 तो कितना आया 11। तो 11 रुपये का लाभ है, कितने का 11 रुपये का लाभ है। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन, लाभ 11 बटावा क्रय मूल्य कितने में खरीदा इसने 110, ओके देन इंटू 100। अब यह संख्या काटने वाली संख्या है जो काट देनी अपने को, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कटा, 11 से ये 11 कट गया, बचा 10। तो ये इसका 10% लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ निकालना है तो 110 माइनस 121 11 आंसर आए, तो 11 बटावा लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100, 11 बटावा 110 इंटू 100, 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा 10। तो 10 इसका लाभ, यानी कि 10% इसका लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरह है, एक साइकिल को 1960 में रुपए में खरीद कर 1862 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा? यानी कि 1960 रुपये में उसने खरीदा और 1862 रुपये उसने बेच दिया, तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सेम वही एज इज फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसके अंदर, हानि बटावा क्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। अब अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना सेम एज इट इज। तो 1900 हानि कितनी हुई, पहले अपने को ज्ञात करना है कि हानि कितनी हुई। सबसे पहले ज्ञात करना अपने को हानि, कि इसमें हानि का परसेंट अगर ज्ञात करना है तो अपने को हानि कितनी हुई। तो 1960 माइनस 1862, तो कितने बचे 1960 और 1862, तो 1960 और 1862 अपन यूं हिसाब लगा तो ये बचे अपने 98, कितना 98। तो ये अब हानि अपने को ज्ञात हो गई, कितनी हानि, ये हानि, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने को सोल्व करना क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या, हानि 98, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा 1960, राइट 1960, फिर इंटू 100, 10 से ये 10 कट गया, ये 98 ये कर गया 2 बार, तो 2 5 10, बचा कितना 5, तो
5% उसको हानि हुई। सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से निकला अपने को, बस सारा अपने को फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना होता है। फॉर्मूला लगते ही अपने को हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। बस हानि क्रय मूल्य इंटू 100, हानि 98 9 1960, क्रय मूल्य इंटू 100, जो भी काटने वाली जो संख्या है काट देनी है, जो बचेगा वो 5% बच गया, उसका हानि आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे इस वीडियो में? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।